हे गाइस, माधव हियर। एप्पल की तरफ से ना आज हमें काफी इंटरेस्टिंग खबर देखने को मिल रही है। एप्पल का जो आईफोन SE बहुत पहले लॉन्च हुआ था ना, जो कि बजट सेगमेंट को टारगेट कर रहा था, उसका एक रिफ्रेश मॉडल हमें इस साल देखने को मिलेगा। अभी लॉन्च डेट जो है उसके बारे में लेटर सेक्शन ऑफ द वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि कब हो सकती है। बट जो ये iPhone SE 2020 होगा ना, काफी ज्यादा पावरफुल आईफोन देखने को मिलेगा और ये एक बजट कैटेगरी का आईफोन होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें एप्पल लेने का बहुत मन करता है बट एप्पल के प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव बहुत होते हैं, तो इसलिए वो बजट सेगमेंट के लिए भी एक iPhone SE 2020 इस बार लॉन्च करेंगे। अब बात करें iPhone SE 2020 की ना, तो ऑलरेडी जो लीक्ड इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि इसमें काफी सारे कलर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमें iPhone XR के वक्त देखने को मिला था ब्लू, येलो, रेड, व्हाइट, ब्लैक, मतलब मल्टीपल कलर्स देखने को मिलेंगे जैसे कि iPhone XR में था, वैसे ही एप्पल iPhone SE में भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये काफी अच्छी न्यूज है फॉर द यूजर्स जिन्हें काफी मल्टीपल कलर्स एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। एंड एक और जो स्पेशल इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है ना iPhone SE के बारे में, वो ये है कि इसका जो प्राइस पॉइंट होगा वो होगा अराउंड $400। अब ये US प्राइसिंग है, ऑफ कोर्स अगर कन्वर्ट करें इंडिया में तो अराउंड 30,000 बनता है, बट इस प्राइस के अराउंड एप्पल लॉन्च नहीं करेगा, अराउंड 40,000 के ही लॉन्च होगा ये फोन। तो ये उन लोगों को ही टारगेट करेगा जो मतलब कहने को बजट होगा बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे जरूर होगा। और अगर एक और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें ना, तो कुछ लीकस्टर्स ने ये बता दिया कि एप्पल अप्रैल 15 को अपना ये प्रोडक्ट लॉन्च करेगा iPhone SE 2020, एंड उसके साथ कुछ स्पेशल एक्सेसरीज और मे बी आईपैड के एक नया जो उनका मैजिक कीबोर्ड पोर्टफोलियो है ना वो भी लॉन्च करे। तो ये थी आज की फ्रेश न्यूज़ एप्पल की तरफ से। वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना वीडियो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है उससे। एंड दिस इज माधव, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।